है दांत का उल्टा चश्मा। गाड़ी तो मिल गई है पाटिल, लेकिन एक गोकुलधाम वाले हमारे साथ कोई खेल खेल रहे हैं। मतलब सर ये तो हाँ, कल सारे गोकुलधाम वालों को अरेस्ट करना है सर। ओनली जेंट्स, नो लेडीज, नो सीनियर सिटीजन एंड नो किड्स। यस सर। पुलिस की गाड़ी, अब क्या हुआ? मैदा ने फोन किया था ना, उसको तो मैं ही उठाऊंगा। मेहता के ऊपर जेठा रहता है ना, तो जेठा को भी मैं ही उठाऊंगा। बाकी लोगों को आप लोग उठा लेना, आपस में तय कर लो कौन किसको उठाएगा, ठीक है? कोई बच के जाने ना पाए, जो जिस हालत में होगा उसे उठाकर यहां ले आओ। गॉट इट बॉयज? यस सर। कम ऑन, मूव। वेट, लेट मी मूव फास्ट। अरे पांडे जी, आप सुबह सुबह? हाँ मैं। चोरी की गाड़ी मिल गई? पुलिस को बेवकूफ समझा है क्या? मतलब? अरे मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं? आप ही लक्की विनर नहीं हो, पूरे गोकुलधाम वासियों को लेकर जाऊंगा, आइए। लेकिन पांडे जी, ये लो हंस गर्मा गर्म पराठा। वाह कोमल, पराठे की क्या बढ़िया खुशबू आ रही है। थैंक यू। मैं देखती हूँ। हाँ। हवलदार जी, डॉक्टर हाथी, चलिए हवालात की हवा खाने। एक मिनट, क्या किया है हंस ने? ओ तो पांडे सर बताएंगे। चलिए प्लीज चलिए। लेकिन हंस, मैं देखता हूँ, चलिए। अरे एक मिनट, एक मिनट, आ रहा हूँ। कौन है ये? सुबह सुबह किसको इतनी जल्दी है? हवलदार साहब, आप चलो। कहाँ? लॉकअप में। अरे क्यों, मैंने क्या किया है? सब पांडे सर बताएंगे। अरे रुकिए सर, पहले दाढ़ी तो कर लेने दीजिए। लॉकअप में। अरे कपड़े तो पहनने दीजिए। लॉकअप में। अरे देखिए देखिए, मैं ऐसे नहीं आ सकता। लगाओ डंडा। नहीं नहीं नहीं, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। छोड़ दिया। आ रहा। भागता की नहीं, नहीं, टोपी ले रहा था। वो टोपी के बिना घर के बाहर जाने को मना किया है ज्योतिष ने ना, इसलिए। चलो चलिए। अय्यर, ये लो तुम्हारा बैग। थैंक यू। मैं देखती हूँ। मिस्टर अय्यर है? क्यों? मिस्टर अय्यर कहाँ है? यस, आप मिस्टर अय्यर हैं? हाँ? नीचे चलिए, सब पता चल जाएगा। क्या हुआ? अरे चलिए, सब पता चल जाएगा। मैं शूज पहन, नीचे पहन लेना। चलो अरे एक चलो जल्दी। अरे क्या हुआ? हुआ बताओ तो। अरे क्या हुआ, कुछ बोलिए तो सही। ठीक है, और विकास भाई से पहले के पासपोर्ट 24 रुपए लेने हैं आपको। ओहो ठीक है। और आते वक्त ना बटाटे लाना भूलना मत। आप चलिए। कहाँ? लॉकअप में। लॉकअप? अरे अरे, वो खड़ जाओ, आया। ओए आया कौन है? ओए पाटिल साहब, तुसी? वो मेरी गड्डी मिल गई? हाँ चलो। मेरा शेर मिल गया, मेरा शेर। ओ थैंक यू थैंक यू। ओ मुंबई पुलिस जिंदाबाद, मुंबई पुलिस जिंदाबाद। Oh, yeah.
हेलो जेठालाल, कौन बोल रहा है? ए! कौन बोल रहा है मतलब क्या होता है? इंस्पेक्टर चालू पांडे बोल रहे हैं। चालू जी, पांडे जी, बोलिए बोलिए। दरवाजा खोलो। कौन सा दरवाजा? घर का दरवाजा। आपके घर का दरवाजा मैं कैसे खोल सकता हूँ? अरे मेरे घर का दरवाजा नहीं, तुम्हारे घर का दरवाजा खोलो। क्यों, कौन आया है? और जो भी आया वो आपके को तकलीफ दे रहा है कि जेठालाल को फोन करो दरवाजा खोलने के लिए बोलो ऐसा? अरे मैं आया हूँ तुम्हारे दरवाजे पर, तब से बैल बजा रहा हूँ, तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? आप मेरे घर पे आए हैं? तेरा दरवाजा ही तोड़ता हूँ मैं, दरवाजा ही तोड़ता हूँ। नहीं नहीं, मैं आया, मैं आया, अभी आया, अभी आया। सॉरी सॉरी चालू जी, पांडे जी सॉरी। ओके मैं सो रहा था ना तो बेल सुना ही नहीं दे। आइए ना अंदर आइए, अंदर आइए। मैं अंदर आने नहीं आया हूँ, तुम्हें अंदर करने आया हूँ। करने की जरूरत नहीं है, चलो। अरे अरे ए, क्या कर रहा है? एक मिनट, दरवाजा तो बंद करना। तो दरवाजा मैं बंद कर लेता हूँ, चलो। अरे मेरे को शूज तो पहनने दो। अरे चलो। सब बात क्या है तो बताइए। सब्र करो, सब पता चल जाएगा। जूता पहन लूं मैं? अब आप बता ही नहीं रहे हम लोग की। अरे पड़ेगा। अरे कहाँ लेके जा रहे हैं? ए धीरे धीरे, तुम्हारे लिए सीढ़ी रोज का है, मेरे लिए नहीं। आराम से चलो। इतना धीरे, इतना धीरे हा? कि पहुंचने में 5 साल लग जाए। चलो समझ में आप। चलो क्या, चलो पहले सबको से पकड़ के क्यों नहीं आ रहे हैं? समझ नहीं आ रहा। ओ मुंबई पुलिस की जय हो, ओ मुंबई पुलिस की जय हो, मुंबई पुलिस की जय हो, मुंबई पुलिस की जय हो। थैंक यू पांडे जी, थैंक यू। दसो गड्डी कित्थे आ? अरे गड्डी मिल गई। चालू जी, पांडे जी आप भी मस्त छुपे रुस्तम निकले हैं। हम सबको सरप्राइज देने के लिए आप हम सबको ऐसे गुनहगार की तरह लेके आए हैं। क्या बात है? अरे भाई सोडे, अरे सोडे मेरे भाई, तेरी गड्डी को लेकर मेरे दिल पर बहुत बड़ा बोझ था। मुबारक 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 हो सोडी, इस बात पे तो पार्टी बनती है। एक मिनट यार, एक मिनट भाई, मुबारक देनी है तो पांडे जी को दो जिन्होंने गड्डी ढूंढी है। थैंक यू पांडे जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मुबारक हो चालू जी, पांडे जी मुबारक हो, कमाल कर दिता तुसी। एक ही रात में छोटी की गड्डी ढूंढ निकाली। पांडे जी, हम सब ने आपको जबान दी थी कि नहीं कि हमें से कोई गाड़ी नहीं ढूंढेगा। हम सब अपनी जबान पे कायम रहे, गाड़ी आपने ही ढूंढी है। बोला इंस्पेक्टर पांडे जी आंसर। ओहो, देखो देखो चालू पांडे जी कितने विनम्र है, अपना विजय सो भी नहीं होने दे रहे। इतनी गोड़ क्या? मैं विनम्र हूँ, मैं विनम्र हूँ, विनम्र हूँ। सॉरी 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 साइंटिस्ट, अब तो तू गया जेठा। पांडे जी क्या हो रहा है? लेकिन ये क्या हुआ?
मार क्यों रहे हैं? हमसे पूछ रहे हो कि गड्डी किधर है, है? अरे पांडे जी, तो गड्डी आपने ढूंढी है तो आपसे ही पूछेंगे ना। तो कितने मेरी गड्डी? हाँ सब बताता हूँ, चलो पुलिस स्टेशन। अरे पुलिस स्टेशन क्यों जाना है? पुलिस स्टेशन क्यों? पुलिस स्टेशन पाटिल सर यहाँ हूँ। यहाँ आते हो बोलते भी नहीं हो, देखा कितने भोले बन रहे हैं ये लोग। खुद ही अपनी गड्डी गैराज में रखते हैं और उसी की चोरी की कंप्लेन लिखवाने आ जाते हैं। मेरी गड्डी मेरे गैराज में है? नहीं थी, लेकिन अब हमारी कस्टडी में है। अब तुम सब भी हमारी कस्टडी में चलोगे। अरे अरे इन सब को अंदर डालो। पांडे जी ऐसा मत कीजिए। हाँ पांडे जी, आपको लग के कोई गलत करनी हुई है? हाँ हाँ पांडे जी, देखिए कोई जेन्युइनली मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी यहाँ पे। यस यस। हाँ प्लीज एक बार हम सबकी बात तो सुन लीजिए। बहन जी मैं आप लोगों का बहुत सम्मान और आदर करता हूँ, लेकिन जो आप लोगों के ये पति है ना, इन लोगों ने मेरे साथ बहुत बेहुदा मजाक किया और करते आए हैं। अब इनको सजा मिलनी चाहिए। पाटिल इन सब को अंदर डालो। हेलो सर, एक गड़बड़ हो गई है। क्या गड़बड़ हुई? सर यहाँ दो लोग आए हुए हैं, जो सोडी सर की गाड़ी चोरी हो गई थी जो हमने ढूंढ निकाली है। हाँ हाँ, उसी गाड़ी की चोरी की कंप्लेन लिखाने आए हैं। क्या? ए पाटिल एक मिनट, इन लोगों को गाड़ी में अभी मत चढ़ाना। आप ठीक से बताओ। सर मैं खुद ठीक से नहीं समझ पा रहा हूँ, बड़ा कंफ्यूजिंग है सर। मतलब चोरी हुई गाड़ी की वापस चोरी की रिपोर्ट। एक काम करो, जो दो लोग कंप्लेन करने आए ना, उन लोगों को गड्डी के साथ सीधे गोकुलधाम सोसाइटी में लेकर आओ। हो सर, क्यों नहीं तो चलो। किसी को गाड़ी मत बिठाना, बहुत कंफ्यूजन है। अय्यर भाई ये लीजिए। थैंक यू। अरे क्लीन करके दो। क्लीन करके ही तो दिया। दाढ़ी को नहीं, रुमाल को। हाँ हाँ नहीं नहीं, ये रुमाल आपका क्लीन करके ही दूंगा, लेकिन अभी क्या टॉवल में जेब नहीं है ना, कहाँ रखूंगा रुमाल? अभी आप रखिए, बाद में भिजवा दीजिएगा। क्लीन करके इस्त्री करके दूंगा आपका रुमाल, ये लीजिए। क्या हुआ सर? पाटिल कहानी में ट्विस्ट है। वो क्या? अभी तक इन लोगों ने हमारे दिमाग का दही किया हुआ था। दो लोग पुलिस स्टेशन में आए हैं अब उसी दही की लस्सी बनाने। लस्सी? डॉक्टर साहब क्या हुआ सर? दो लोग पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखवाने आए हैं। इसमें नया क्या है सर? नया ये है कि जिस गाड़ी की चोरी की कंप्लेन सोढ़ी ने लिखवाई थी, अब उसी गाड़ी की चोरी की कंप्लेन वो दो लोग करने आए हैं। क्या? मेरी गड्डी की? हाँ। कौन है वो दोनों? आ जाने दो, सब पता चल जाएगा। अरे नक्की काय चल रहे हैं? अरे पुलिस को समझ में नहीं आ रहा है, हमें क्या समझेगा? ओ पांडे जी, गड्डी का असली मालिक तो मैं ही हूँ। ओ सोडी साहब, अभी से डिसाइड मत करो कि गाड़ी का मालिक कौन है। उन लोगों को आ जाने दो, फिर पता चल जाएगा कि गड्डी का असली मालिक कौन है। वो मेरा शेर, मेरी लकी गड्डी। बताइए जी। ओए हैप्पी बोलो, एक मिनट, होल्ड ऑन। क्या तुम इन दोनों को जानते हो? हाँ पांडे जी, वो ये दोनों मैकेनिक है, वो सोडी गैराज में काम करते हैं। सर
यही वो दोनों हैं जो गाड़ी चोरी की रिपोर्ट लिखाने आए थे की? ओ, अब समझा। थोड़ी तुम्हारे गड्डी के चोर कोई और नहीं, ये मैकेनिक हैं। नहीं जी नहीं, ओ ये दोनों ऐसा नहीं कर सकते। ओ पाजी हमने ही किया है। अगबी, देखा? ओ की कह रहे हो तुसी बेवकूफों? देखा थोड़ी मुंबई पुलिस का कमाल। रात को तुम्हारी गड्डी को हमने अपनी कस्टडी में नहीं लिया होता तो तुम्हारे ये चोर मैकेनिक सुबह तक गाड़ी को बेच चुके होते। ओए खोते हो, ओ ऐसा क्यों किया तुम दोनों ने? ओ पाजी ये काम करने के लिए हमें किसी ने कहा था। अब ये तीसरा कौन है? किसने? रोशन पापी। रोशन पापी? रोशन पापी? उनको ये सब पता था? रोशन पापी? रोशन 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 रोशन। अगवे ये चक्कर क्यों काट रहे हैं? चक्कर आ रही होगी ना, इसलिए निकालने के लिए चक्कर काट रहे होंगे। रोशन भाभी को हमने मैसेज करके बता भी दिया है कि यहाँ पे बहुत बड़ा हंगामा हो गया है। बात पुलिस तक पहुंच गई है, वो अभी आ ही रहे हैं। जी और टपूसन और रोशन भाभी, नई गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया है क्या? रुक क्यों नहीं रही है? रोशन भाभी ने कार का हॉर्न बजाया, गोगी ने कार में ढोल बजाया और पांडे जी ने गोकुलधाम वासियों का बैंड बजाया। पांडे जी आ गए और गोकुलधाम वासियों पे छा गए। जो जिस हाल में था उसे उसी हाल में गिरफ्तार कर लिया गया। भाई जिस गाड़ी के लिए इतना हंगामा हुआ ना, वो मिली सोडी के गैराज बल्लू और हैप्पी ने चुराई थी, और वो भी रोशन भाभी के कहने पर। भाई रोशन भाभी ने नई गाड़ी में एंट्री ले ली और यहाँ पर सोडी की पुरानी गाड़ी भी खड़ी है और साथ में पुलिस की गाड़ियां भी खड़ी। गाड़ियों का फ्यूजन हो रखा है जिसकी वजह से बहुत सारा कंफ्यूजन हो रहा है। आपकी तरह मैं भी जानना चाहता हूं कि आखिर बात क्या है, ये नई गाड़ी कहां से आई और रोशन भाभी को किसने दी? और अगर ये गाड़ी सोडी के लिए तो सोडी की पुरानी गाड़ी का क्या होगा? रोशन भाभी ने सोडी की गाड़ी चोरी क्यों करवाई? और अगर रोशन भाभी ने सोडी की गाड़ी चोरी करवाई है तो फिर कोई केस बनता ही नहीं, और अगर कोई केस बनता ही नहीं है तो पांडे जी क्या करेंगे? मुझे तो लगता है कि पांडे जी हम सबका हाल बेहाल करने वाले हैं। हंगामों की सुनामी आने वाली है, टेंशन की बारिश होने वाली है, लेकिन जो भी होगा मजेदार होगा। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। मतलब हर बार की तरह चोर घर में ही है।
सर चोर कोई है ही नहीं। सॉरी सॉरी पांडे जी। अरे क्या सॉरी बहन जी, आप लोगों के चक्कर में मैंने बासुंदी से कितनी बार सॉरी सॉरी बोला, लेकिन बासुंदी ने अभी तक मुझे मुआफ नहीं किया है। और यहाँ कोई केस है ही नहीं। अच्छा रोशन बेटे की ओर से मैं आपसे। अरे चाचा जी, आप इस उम्र में मुझसे माफी मत मांगिए। खाया पिया कुछ नहीं और गिलास थोड़ा बारह आना।